उसमें भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज बहादुर यादव जौनपुरिया, ये आज ये भीड़ नहीं है, हर उस माँ की आवाज़ है और उस बेटी के बाप की आवाज़ बन के आया, जिस जो दर्द है वो लोग सभी आए हुए हैं यहाँ जंतर मंतर में। कोई भीड़ नहीं है, कोई बुलाई, कोई किराए की भीड़ नहीं। ऐसा है, खाप पंचायतों का आह्वान किया जाता है धीरे 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 धीरे, और हर जगह, ये यही नहीं हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहा है, हर जगह जगह पे चल रहा है, क्योंकि जिनको भी, जिनके पास बेटियां हैं नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय भारतवर्ष बेटी बचाओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज उन्हीं बेटियों के साथ तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है, क्या दो हफ्ता से ज़्यादा हो गया अभी तक आपने आवाज़ नहीं उठाया, इसलिए पूरा देश जाना चाहता है, धीरे धीरे रोष बढ़ता जा रहा है। बीजेपी वाले तो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस धरना चला रही है, इनका मनगढ़ंत है, ऐसा है, ये जब विपक्ष में होते थे तब ये कहते थे कि ये कर रहे हैं, ये तो इनका कहना है, ये किसी पार्टी का, क्या विपक्ष वालों का नाम बताएंगे कौन सा बाबा है जो कौन सा बाबा है? यहाँ कोई बाबा नहीं, यहाँ कोई बाबा नहीं, यहाँ पहलवान हैं, पहलवान बैठे हुए हैं, हर बेटी बैठी हुई है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके समर्थन में हर बेटी के बाप आए हैं, हर बेटी की माँ आई हूँ, वो बाबा ओबा की बात छोड़ो, यहाँ सिर्फ धरना अन्याय अत्याचार के खिलाफ हो रहा है, किसी पार्टी, किसी प्रदेश और किसी इंडिविजुअल जात के लिए नहीं हो रहा है। कारण यही है कि सरकार जो है ना, ये तानाशाह बन गई है, यह गुलाम बना करके बादशाह बनना चाहते हैं, तो इस सरकार से कहना चाहता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी गुलामों को इंसान बना करके बादशाह बने थे, इसलिए हे तानाशाही सरकार, तुम ऐसे ही, तुम्हारी मानसिकता नहीं चलेगी, इन बेटियों का अब तक किसानों का आंदोलन था तो पेट का था, सम्मान का उनके हक अधिकार, अब तो बेटियों का आंदोलन है, अब तो सम्मान यही आपों की हो, और जब भी, अरे इतने बड़े बड़े महाभारत हो गए अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तो ये तो बैठी हुई है और लगातार दो सब नहीं मानी जाती है, तो अभी तो ये चिंगारी लगी है, पूरे भारतवर्ष में जाएगा ज्वाला का रूप, तो शायद सरकार के पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, इस आग को बुझाने के लिए उनके पास कोई दमकल ही नहीं है कि कोई बुझा सके, इसलिए न्याय लेकर के ही जाएंगे, ये आंदोलन ही नहीं है, ये तो इज्जत आबरू का आंदोलन हो गया है। ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस करा रही है, वो करा रही है, और उल्लू के पट्टे, तू जो तेरे ऊपर गुनाह लगे हैं उनकी बात क्यों नहीं करता तू? जो तेरे ऊपर गुनाह लगे हैं उनकी बात क्यों नहीं करता? कभी कांग्रेस की बात करता है, कभी जाट के हरियाणा की बात करता है, कभी जातिवाद की बात करता है, तो तेरे ऊपर गुनाह लगे हैं और प्रूफ भी मिल चुके हैं, उनकी बात क्यों नहीं कर रहा है तू? तू विषय को पलट क्यों रहा है? और दूसरी बात ये है, मोदी और अमित शाह जो हैं, इनके भी काले करतूत हैं, इसीलिए नहीं बोल रखे हैं, वो इससे डरते हैं ब्रजभूषण से, कभी हमारी पोल नहीं खोलते, और मैं सिंगर कवि होने के नाते चार लाइनें लिखता हूँ उस हरामजादे के प्रति, ब्रजभूषण के प्रति, कान खोल के सुन ले पापी कामी और गद्दार, झूठे हैं वादे तेरे, झूठी है सरकार, झूठे हैं वादे तेरे, झूठी है सरकार, नारी को अबला मत समझो, ये चंडी और काली है, महिषासुर को मार गिराया, दुर्गा खप्पर वाली है, कुकर्म तेरे देख रहा, कुकर्म तेरे देख रहा, वो सच्चा है करतार, झूठे हैं वादे तेरे, झूठी है
सारे कार अवे बच के नहीं जाएगा हमारे से, कान खोल के सुन, और तीनों कान खोल के सुन लो, मोदी अमित शाह और ब्रज भूषण तीनों बच के नहीं जाएंगे, बच के नहीं जाएंगे, अपना खून बहा देंगे। आर के अग्रवाल, राइटर, सिंगर, यूट्यूबर, हिसार, हरियाणा। महिलाओं के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, और इसमें मिल गई नदियाँ जो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यहाँ हज़ारों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियाँ सब प्रदर्शन के लिए आए, जब हमारी देश की बेटी को जो मेडल लाती है उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो हम जैसे लोगों को और आप जैसे पत्रकारों को इंसाफ कैसे मिलेगा? कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो इसको दिखाते हैं, बेचारे आप जैसे अच्छे और ईमानदार लोग जो दिखाते हैं किसानों का, इनका बहन बेटियों का प्रदर्शन दिखाते हैं, वरना कुछ चाटोकर मीडिया है जो दिखाती नहीं है। हम तो बहनों के लिए आए, अगर इन बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम लोग नहीं आएंगे तो क्या दूसरी कंट्री के लोग आएंगे यहाँ पे इनकी इबादत के लिए? तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं, इनकी इनकी हमदर्दी में आए हम यूपी से। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज जंतर मंतर पे कैसे पहुंचे हैं? आपने चारों तरफ लगा रखा है सत्यमेव जयते, चाहिए यानी मृत चाहिए, किस लिए? इसलिए कि आत्मा जो है, आत्मा कभी जो है न आत्महत्या नहीं करता, आत्मा जो है कभी को खराब नहीं करता, आत्मा कभी कोई गलती नहीं करता। एक मिनट, मेरा नाम सब कुछ में लिखा हुआ है, राम प्रवेश वर्मा सारे है। उस दिन जो झड़प हुई थी, क्या दिल्ली पुलिस का बर्ताव अच्छा है या खराब है? खराब है, उनका भी बेटियां लड़कियां हैं, पुलिस वाला बेटी लड़की। आत्मा कभी मरता नहीं, पैदा लेता। मैं इस पृथ्वी पर निष्काम कर्म किया, मैंने नहीं किया, ऊपर वाला करवाया। अब जो ऐसा सिस्टम आ गया है कि हम मानव सेवा करते रहे, अब ऐसा सिस्टम आ गया कि मुझे कर्म करने के लिए बाधित हो गए, कर्म मुझे करने के लिए मैंने रोक दिया गया है ये सिस्टम। अब जब मैं कर्म नहीं करूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? खाना जब नहीं खाऊंगा तो आत्मा, एक मिनट, अरे बोल रहा हूँ ना, महिला पहलवानों की हर युग में नारी से ही परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? व्यवस्था परिवर्तन। रावण को भगवान राम ने मारे तो वहाँ पर विभीषण को व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ा। यहाँ इस बार इस युग में सभी रावण, सभी के अंदर में रावण है, सभी के अंदर में राम है, उसको मारने के लिए भगवान के दूत आ गए, और नारी के वजह से ये जो है सत्ता बिल्कुल हिल जाएगा। अभी तो देश में रावण भारी पड़ रहा है। वो हर युग में ऐसा होता है, लेकिन जीत हमेशा सत की होती है, सत की। बस हो, दो चार दिन में होने वाला है, ईश्वर का दूत पहुंच चुके हैं, और इसका जन्म व्यवस्था ये नारी ही बनेगा परिवर्तन का परिवर्तन, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर नारी का अपमान हुआ है तब तब परिवर्तन हुआ है। जैसे द्रौपदी को लीजिए, सीता जी को लीजिए, आज ये देश के कितना गौरवान्वित व्यक्ति है महिला, माने दुर्गा सरस्वती से भी बढ़कर के भारत कैसे गुरु बनेगा? ऐसे नहीं गुरु बनेगा, झूठ बोलने से गुरु नहीं बनेगा। जो हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए पूरा आज़ादी मिलेगा, तब ये आज़ादी नहीं है, ये गुलामी है। गुलामी खत्म होगा, कौन है जो कहता है दुश्मन बर्बाद नहीं है, कौन कहता है भारत बर्बाद नहीं होगा? अब आज़ादी आने वाला है, ये फिर चेहरा सामने दो चार पाँच दिन के बाद में आएगा, पूरा जो है ना पृथ्वी पर ढूंढ मारेगा। ऐसा मैंने नोटिस दे रखा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, तिरंगा झंडा जला दूंगा, मेरे जैसे सब लेटर लिखने वाला भारत में एक भी नहीं है। इसीलिए भगवान का दूत आ गया है, इसको इंसाफ मिलेगा ऐसा कि ये सत्ता तितर बितर